हेलो फ्रेंड्स, हम इंडियंस हैं और जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमेशा चीज हमें हाई क्वालिटी की चाहिए होती है और पैसे हमेशा हम लो क्वालिटी के देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मुझे चाहिए था एक ट्राइपॉड। इसके लिए मैंने कई ऑनलाइन साइट्स भी चेक किए हैं, यूट्यूबर्स के वीडियोज भी देखे हैं। उसके बाद में आखिरकार मुझे जाना पड़ा मार्केट में। वही मार्केट में मुझे मिला ये हाई क्वालिटी का ट्राइपॉड और मैंने पैसे दिए लो क्वालिटी के। चेयर फ्रेंड्स, ये ट्राइपॉड है, एक ऐसा ट्राइपॉड है जिसकी अगर इसकी हाइट की बात करें अपन तो यह हाइट जाती है इसकी 6.5 फीट और अभी तो इसकी प्राइस जो है ऑनलाइन से भी काफी डिफरेंट है। मैंने बहुत सस्ते में लिया, आपको बताऊंगा कितना सस्ता है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेकेंसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करें और जो घंटे वाला बटन इसको दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स, आई अनबॉक्सिंग इस वीडियो पे करनी पड़ी क्योंकि नया जो चैनल है उस पर आप लोग देख नहीं रहे हैं, इसीलिए मुझे इस पे करनी पड़ रही है। धीरे धीरे अगर उस पे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे उस पे सारी जो अपनी अनबॉक्सिंग है या फिर और भी बातें वो सारी उस पे करेंगे। अभी इसी वीडियो पे करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है जगुआर का, देख लीजिए जगुआर 880। अगर इसको ऑनलाइन लोगे आप तो अभी आपको अमेजोन पे या फिर आप और साइट पे जाओगे तो आपको 2900 या 3200 रुपए का दिखा रहा है, लेकिन मैंने कितने का लिया है अभी आपको बताऊंगा, बहुत सस्ता। इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये इसको आप मोबाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपन इसको कैमरे के लिए भी यूज करेंगे। ये सारे फीचर्स है इसके साथ में। अगर इसकी और फीचर्स की बात करें तो अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये 6.5 फीट तक जा सकता है। हाइट में 6.5 फीट है, इससे 3 से 5 किलो तक का वेट ये सेंड कर सकता है, यानी कि बेस्ट से बेस्ट DSLR पर काम करेगा। और ये 3-वे है। मैं आपको अब इसकी पूरी चीज बता देता हूँ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालते हैं अपन। ये जैगुआर 880 है जो आपको ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पे। तो ये है इसका बॉक्स जो कि काफी अच्छा बॉक्स मिला है अपन को। ये देख लीजिए बैग जो है काफी अच्छा है और फटेगा भी नहीं जल्दी से, ये काफी लंबे टाइम तक भी चल सकता है अपना। तो इसके अंदर से अपन ने निकाला है, देखिए ये ट्राइपॉड है जो कि अपनी 6.5 फीट तक जाएगा। और साथ में इसकी मैं आपको बता दूं मजबूती के मामले में अगर आप दूसरी कंपनी के ट्राइपॉड देखोगे तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है ये वाला ट्राइपॉड। तो इसको लेते हैं। देखिए दिखने में काफी छोटा है, यानी कि अगर आप इसको छोटी हाइट की बात करें तो अपन इसको छोटी से छोटी हाइट पर भी इसको सेट कर सकते हैं। देख लीजिए इसका हाइड्रोलिक अगर देखें तो काफी अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ तरीके से मूवमेंट करता है और इसको आप राउंड भी घुमाओगे तो काफी स्मूथ तरीके से जा रहा है। उसके साथ में अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर भी है जो कि आपके लेवल को भी सेट करेगा। यहाँ पर अगर आपका ऊंचा नीचा है तो ये सेट कर सकता है काफी अच्छी तरीके से। तो अपन करते हैं इसकी हाइट इंक्रीज, तो कितना जाता है हाइट इंक्रीज देखे तो ये काफी अच्छे लेवल पे आ गया, लेकिन ये अभी भी और हाइट पे जाएगा आप देखेंगे इसको। अभी अब करते हैं अपन, देखो फुल हाइट पे लेते हैं इसको कितना जाता है। मजबूती के मामले में अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का है और काफी अच्छी मजबूती है इसकी। अगर आप जल्दबाजी में अगर इससे आप कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो भी ये टूटने वाला नहीं है। देखिए इसकी हाइट देखोगे तो आपको ये हाइट मिल जाती है, यानी कि करीबन 5 फीट की तो ये हाइट है जो कि मेरे से थोड़ा छोटा है, यानी 5.5 फीट नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद में अगर इसको अपन और हाइट पे देखेंगे तो देखिए ये हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह से ये इंक्रीज हो जाता है। तो इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन इसकी देख लेते हैं मजबूती के हिसाब से देखेंगे आप। तो आपको देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, देखिए प्रोफेशनल लिखा हुआ है, आपको देखने को मिल रहा होगा ये प्रोफेशनल है। ये इसका जैगुआर 880 ये मॉडल है इसका। और क्वालिटी की बात देखिए तो आपको देखने को मिल रही है, देखिए ये मेटल है, आपको सुनाई दे रहा होगा थोड़ा सा, ये उस एल्यूमिनियम टाइप का लग रहा है तो काफी अच्छा है। और साथ में आपको देखिए यहां से इसको लॉक कर सकते हैं अपन। ये देखिए ये लॉकिंग है, जितना आप उनको एडजस्ट करना है उतना एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद में इसको टाइट लॉक कर दीजिए। अब ये नहीं, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए ग्रिपिंग मिल जाती है पकड़ने के लिए, या फिर आप इसको कोई भी यूज लेंगे जैसे उठाने के लिए करने, तो काफी अच्छी ग्रिपिंग है ये। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक हैंगिंग पॉइंट मिल जाता है, ये हैंगिंग पॉइंट का ऐसा है ये तो ट्रेवलिंग में रख सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल अगर या DSLR है उसकी वायर केबल या फिर कोई और सामान है तो उसको आप इस तरह से, मैंने जो जुगाड़ लगाया वो इसी तरह से लगाया कि आप एक पॉकेट लीजिए इस टाइप की और इसमें आप ये इसको लगा दीजिए ऐसे, जैसे आप लगाते हैं इसमें चार्जर वगैरह रख लीजिए इस टाइप से ऐसे, और साथ में आप कैमरे के साथ में इसको अटैच कर लीजिए। तो ये काफी अच्छा पॉइंट मिल जाता है आपको कि हैंगिंग तो सभी में आता है लेकिन मैंने इसका यूज निकाला एक अच्छा सा, ठीक है। इसकी हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितनी जाती है तो आपको देखने को मिलेगा इसकी हाइट, देखिए हाइट अगर देखते हो तो ये करीबन 6.5 फीट जाता है इस तरह से, देखिए आप ये इसकी हाइट है, ये 6.5 फीट गई है, देख लीजिए आप इतना, यानी कि आप इसको ना इस टाइप से इतने हाइट पे भी इसको अच्छी खासी तरीके से काफी स्मूथ और इसके हाइड्रोलिक का जो बेनिफिट है उस वजह से इसको काफी अच्छी तरीके से आप इसका इसको लॉक कर दीजिए। जैसे ये हिल रहा है तो यहाँ पे एक लॉकिंग पॉइंट है आपको देखने को मिल रहा है, ये लॉकिंग पॉइंट है, इसको आप इसको लॉक कर दीजिए इस तरह से।
जैसे आप इसको लॉक कर देते हो उसके बाद में ये हिलेगा भी नहीं। अब आप जब इसकी रिकॉर्डिंग करोगे तो ये काफी अच्छी तरीके से ऐसे रिकॉर्डिंग करेगा, हिलेगा भी नहीं बिल्कुल। और जैसे ही आप इस पे कैमरा रखोगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद में अपन इसको वापस से नीचा कर लेते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा ये, ठीक है। तो ये वापस से इसको करते हैं, काफी अच्छे स्मूथ तरीके से जा रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है और फोर्स भी ज्यादा कुछ नहीं लगा रहा हूँ मैं, हल्का ही फोर्स लगा रहा हूँ। देख लीजिए ये अपन ने कर लिया। इसकी जेन्यून अगर हाइट की बात करें तो जेन्यून हाइट भी काफी अच्छी है। इतनी हाइट पे तो शायद ही कोई स्टेज वगैरह की अपन वीडियो बनाते हैं, बाकी इतना बनाते नहीं अपन, यूट्यूबर्स को लिए चाहिए तो ये हाइट काफी परफेक्ट है। इसके बाद में आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाई है। इसके बाद में यहाँ पे इंडिकेटर है जो लेवल को बताइए, ठीक है। हर एक पॉइंट का लॉक पॉइंट भी है, जैसे आप हाइड्रोलिक है इसको फिक्स करना चाहते हो तो इसको फिक्स कर लीजिए, मूवमेंट भी करेगा। ऐसे ही ये इसका भी मूवमेंट भी करेगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। आप ऊपर नीचे करते हैं इसको भी फिक्स हो जाएगा ये। इस तरह से देखें तो काफी अच्छा है ये। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल के लिए क्या है। देखिए ये कैमरे के लिए आ जाता है, यहाँ पर देखिए आपको ये कैमरे का पॉइंट है, जहां पर अपन कैमरा है यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में ये कैमरा लॉक हो जाता है। उसके बाद में आप कैमरे को काफी अच्छी तरीके से लगा, फ्रेंड्स मैं आपको कैमरा लगा के और मोबाइल लगा के दोनों चीज दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से काम करेगा। थोड़ी सी अपन इसकी हाइट कम कर लेते हैं, क्योंकि ये हाइट कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो थोड़ी हाइट कम करके मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको देखिए पहले यहाँ से ढीला करना है, लॉकिंग पॉइंट था जिसको अपन ने देखिए हाइट कम कर लिया अपन ने, जितना अपन को एडजस्ट हो रहा है। उसके बाद में हाइट इतनी है कि ये काफी अच्छा है, अगर लंबी हाइट आपकी है ये अपन हटा लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अब अपन लगाएंगे कैमरा। तो देखिए फ्रेंड्स कैमरा कैसे लगाते हैं, देखिए कैमरा है इसके अंदर ये देखिए ये पॉइंट है, यहां पर अपन को ये बोल्ट है इसको यहां पे कस देना है। देखिए ये मैंने बोल्ट कस दिया है, अब अपन को करना क्या है, ये यही पॉइंट है यहां पर अपन को इसको लगाना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने फिक्स कर दिया, एक डीएसएलआर है, ये कैनन का डीएसएलआर है 80D, जो कि काफी वेट भी है इस कैमरे के अंदर, लेकिन ये काफी अच्छी तरीके से इसको सहन कर, और भी वेट डालोगे तो भी ये सहन कर लेगा क्योंकि काफी मजबूत है ये, देखिए, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे स्मूथ तरीके से ये रिकॉर्डिंग कर पाता है, देख लीजिए इस तरह से अगर अपन रिकॉर्डिंग करेंगे तो काफी स्मूथ तरीके से कर पाता है, देखिए इस तरह से अपन कर सकते हैं इसके अंदर, ये काफी अच्छा है। इसको 360 डिग्री आप मूवमेंट ले सकते हैं ऐसे, और ये ऊपर भी देख लीजिए इतना ले सकता है ये, देखिए तो काफी अच्छा है। और अगर आपको इसको फिक्स करना है तो मैंने बताया था ये बोल्ट्स है जिनकी वजह से अपन फिक्स कर लेते हैं, अब ये ऊपर नीचे नहीं होगा, और अब ये जो राउंड ले रहा है सिर्फ राउंड राउंड लेगा ये, इसी के बाद में अगर इसको भी फिक्स कर दोगे तो अब ये राउंड भी नहीं लगा, फिक्स हो गया ये। तो अब सिर्फ अपन ये इसका मूवमेंट ले लेते हैं ऊपर नीचे वाला, देखिए इस तरह से। तो ये कैमरे के लिए काफी अच्छा है, आप देख लीजिए। अब इसको मोबाइल लगाना मैं बताता हूँ, तो डिसमेंटल कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये कैमरा मैंने हटा दिया है, अब अपन लगाना है अपन को एक कैमरा एक मोबाइल लगाना है इसके साथ में। क्या है मुझे एक मोबाइल का जो होल्डर है ये मुझे इसके साथ में फ्री दिया था, अगर आपको फ्री मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ये मार्केट में 100 या 50 रुपए का आपको इजिली मिल जाता है। तो ये चीज चाहिए होती है अपने स्मार्टफोन के लिए, तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि स्मार्टफोन को अपन साइड में रख लेते हैं अभी, ठीक है। इसको अपनों को क्या है, देखिए इसको ऐसे फिक्स करना होता है, इसमें छेद आता है कि ये जो कैमरे वाला है इसी में, ठीक है। इसको अपन को क्या फिक्स करना है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। इस मोबाइल होल्डर को डेस्क प्लेट के साथ में अपन ने फिक्स कर दिया है, अब ये अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। अब इसको क्या अपन को इधर लगा देना है, इसको फिक्स करेंगे तो देख लीजिए ये अपना एक इस तरह से ये फिक्स हो गया अपन, ठीक है। अब अपन इसमें मोबाइल भी लगा पाएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल लगाना, ठीक है। ये अपना मोबाइल है, इसको देखिए इस तरह से लगाना है, इसको सिर्फ क्लिप को ऊपर उठाना है, ठीक है। ये अपना मोबाइल लग गया काफी अच्छी तरीके से, तो इसका भी वही ऑपरेशन है, देखिए ये मैंने फिक्स किया था। इसको अपन लॉक खोल लेते हैं इसके, ठीक है, ये दोनों लॉक मैं खोल देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी ऊपर नीचे अपन काफी स्मूथ तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और इसका मूवमेंट भी देखिए हाइड्रोलिक है, काफी बिल्कुल हल्का है ये, काफी स्मूथ हाइड्रोलिक है इसका, ऐसा स्मूथ हाइड्रोलिक साइज मैंने और में नहीं देखा, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल है, इसी वजह से इसका इतना स्मूथ हाइड्रोलिक आया है कि आपको काफी मजा आएगा इसके साथ में काम करने में, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी हाइट मैंने बता दिया आपको इस तरह से, आप इसकी हाइट भी जैसे जैसे अपन को एडजस्टमेंट चाहिए वैसे वैसे अपन इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस तरह से हाइट बढ़ा लीजिए, इसको लॉक कर दीजिए, इसको भी लॉक करना चाहते हैं तो इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है, ये ऐसा मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको लॉक करना चाहते हैं तो इसको लॉक कर लीजिए, ठीक है। अब सिर्फ अपना क्या ये मूवमेंट रहेगा सिर्फ ये वाला, तो इस तरह से इससे मल्टीपर्पज आप काफी अच्छे हैं कि कैमरा भी और मोबाइल भी दोनों चीज डिवाइस काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहा है, ये काफी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, मजबूती काफी अच्छी है। अगर आप इसको ऑफलाइन, मैं बता रहा था कि कितने सस्ते में लिया, मैंने इसको लिया है सिर्फ 1800 रुपए में, वो भी जयपुर राजस्थान से मोरिजा टावर से, ठीक है फ्रेंड्स। आप भी वहां से अगर आप जयपुर के हैं या आसपास के हैं तो आप यहां से ले सकते हैं सिर्फ 1800 रुपए में, यही चीज अगर 880, इसको अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो आपको लगभग 2900 रुपए की मिलेगी। तो आप जयपुर राजस्थान से लेना चाहो लोकल मार्केट से, या अपने आसपास के मार्केट से भी अगर आप लोगे तो आपको शायद 1800-2000 मिल जाएगा, मैंने सिर्फ 1800 रुपए में लिया है,
जो कि मुझे कंप्लीट सेट मिल गया है ये पूरा। और अगर आप दूसरी कंपनी की, अगर मैं डिजिटेक की बात करूं तो वो आपको शायद 2600 रुपए का मिलता है, और उसी को अगर आप मार्केट में लोगे तो आपको 2000 का मिल रहा है। मैंने डिजिटेक की शॉप पे पूछा था, वो 2000 का मिल रहा है। तो आप ऑनलाइन ना लेके अगर उसको स्टोर से लोगे तो काफी सस्ता पड़ जाएगा आपको। इसी तरह से कोई भी चीज है, क्योंकि इनके अंदर कॉम्पिटिशन कम है तो लोकल मार्केट में काफी इजिली मिल रही है। ऑनलाइन साइट पे इनका एमआरपी के हिसाब से रेट डिसाइड कर रहे हैं तो इसलिए महंगा पड़ता है। तो आप ऑफलाइन लीजिए अपने आसपास के स्टोर पे जाके तो काफी अच्छा पड़ जाएगा। और जयपुर में रहते हैं तो आप 1800 रुपए में इसको ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज का तो अनबॉक्सिंग था। आने वाले टाइम में और भी अनबॉक्सिंग मिलेगी। देखते रहिए टेक एनजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।